हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था, मराठी का फोर्थ स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर मैत्री है ना, जिसमें हमने ये पूरी स्टोरी एक्सप्लेन की थी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी, राइट। फिर उसके बाद आता है थर्ड, मुलानी कार्डेली चित्र, जो कि यहाँ पे पिक्चर्स है, जो कि आपको इसका कोई वो नहीं है। और फोर्थ है चित्र वर्णन, तो ये पिक्चर्स के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है। इसका भी कुछ वो चैप्टर में मतलब क्वेश्चन आंसर है नहीं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, पांचवा, जो कि है गाण्या गाण्या भिंगो भिंगोचा, यानी बारिश के बारे में ये गाना है, ठीक है। ये छोटी सी हमारी कविता है, तो आ जाओ मेरे साथ लर्न करो। सो ऐका आणि म्हणा, ऐका आणि म्हणा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा पोएम। तो पहले हम लोग पूरा पोएम एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। टप 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 पानी गार, पट 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 वेचू सार, पकड़ूनी धारा वीरते तुड़ीन गोया, गाण्या गाण्या भिंगोया। मतलब टप 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 पड़ती गार, यानी जब बारिश की पहली बूंदे पड़ती तो कितनी मस्त लगती है ना, वो टप 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 गिरती है। पटपट वेडू चसार, यानी जो ये छोटे छोटे ओले गिर रहे हैं उसे बोलते हैं वेचू सार। पकड़ूनी धरात वीरूनी गोया, यानी ये जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं उसे हम हाथ में पकड़ेंगे। गाण्या गाण्या भिंगुया, यानी गाना गाते गाते हम लोग बारिश में भीगेंगे। गड़गड़ गड़गड़ मेघ गरजती, ये चमचम चमचम वीजा चमकती, थुई 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 मोर नाचती, गाण्या गाण्या भिंगुया। यानी गड़गड़ गड़गड़ मेघ गरजती, जो बादल गरजते हैं उसे कहते हैं मेघ। मेघ यानी बादल, वो जो बिजली चमकती है ना उसे कहते हैं मेघ गरजती, थुई थुई मोर नाचती। आपने कभी देखा होगा गांव वगैरह में जब पहली बारिश गिरती है तो मोर कितना मस्त नाचते पंख फैला के। गाण्या गाण्या भिंगुया, यानी गाना गाना गाते गाते हम लोग भीगेंगे। धड़ 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 ठंडी वाजे, हाक आईचे एकू येते, घरात जाऊनी स्वच्छ होया, गाण्या गाण्या भिंगुया। यानी धड़ 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 ठंडी वाजे, अब ज़्यादा आप बारिश में नहा लोगे भीग जाओगे तो आपको क्या लगेगी, ठंडी। हाँ काइट से एकुन ये थे, यानी यहाँ पे मम्मी खड़े होके बच्चों को बुला रही है कि बस करो अब आ जाओ, है ना। घरात जाऊने स्वच्छ हो गाण्या गाण्या भिंगुया, यानी घर में जाके अब नीट एंड क्लीन होते हैं और गाना गाते गाते हम लोग भेजते हैं। तो ये है हमारा कुछ इस तरह से ये पूरा पोयम। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि इसका क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट, उत्तर है सांगा। अब कविता कशा बदला है, तो ये कविता किस विषय पे है, बारिश के विषय पे है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावसा बदला है, ही कविता कौन म्हणता है, ये कविता कौन बोल रहा है, बच्चे लोग बोल रहे हैं, तो मुलं म्हणता है। वीज चमकता तेव्हा मुलांना काय वाटते, और जब बिजली कड़कती है तो आप लोग को क्या लगता है, डर लगता है ना, तो यहाँ पर आएगा भीती वाटते, है ना। तो ये हो गया हमारा तीनों क्वेश्चन आंसर, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट करो। अब यहाँ पर है क्वेश्चन टू, कौन ते सांगा, यानी ये जो पोएम में बोल रहे हो वो कौन है वो आपको बताना है। जैसे टप टप पाण्या, तो ये कौन है, गारा। थुई थुई नाचणारा, मोर। गड़गड़ गरजनारे, मेघ। धड़धड़ वाजणारी, थंडी। आणि चमचम चमकणारी, वीज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर, दोनों भी कंप्लीट। आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये है शेवटी चे अक्षरे जुड़नारे, कविताला शब्द सांगा। अब कविता में ऐसे कौन से शब्द है जो जुड़े हुए, जैसे राइमिंग वर्ड, ठीक है। तो टप टप पट पट, ये पहला राइमिंग हो गया। दूसरा गड़गड़ चमचम, म थड़थड़, थड़थड़ का
कोई नहीं है, या तो गाना भी। ये दो वर्ड्स आपको राइमिंग मिल जाएंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो वॉच कर लिया करो, देख लिया करो। अगर आपको कोई भी लगता है कि इसमें कुछ और अच्छा नया ऐड होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।